A very good morning class. Today we are going to continue with the chapter number 14, Living Longer and Healthier. So in this chapter, we were studying about medical instrument, and in our last video, we have completed our topics thermometer, stethoscope, microscope. Our today's topic is X-rays, which is on page number 107. So start karte hain X-rays se. X-rays were discovered by विल्हेम कोनार्ड रोएंजेन. ठीक है, तो जो एक्सरे है वो किनके द्वारा डिस्कवर किया गया है? विल्हेम कोनार्ड रोएंजेन के द्वारा 1896 में इसको डिस्कवर किया गया, इसका आविष्कार किया गया. एक्सरे मशीन कैन टेक पिक्चर्स ऑफ द इनसाइड ऑफ अ पर्सन्स बॉडी. एक्सरे मशीन क्या करती है? पिक्चर्स देती है किसी पर्सन की इनसाइड बॉडी की, बॉडी के अंदर की. स्कैनर्स प्रोड्यूस पिक्चर्स. स्कैनर्स जो हैं वो पिक्चर्स प्रोड्यूस करते हैं विच शो मोर डिटेल्स देन एन एक्सरे फोटोग्राफ, जिसमें ज़्यादा डिटेल दिखाई जाती है. एक एक्सरे फोटोग्राफ से भी ज़्यादा डिटेल दिखाई जाती है उन स्कैनर में. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर्स अवेलेबल आर, जो डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स जो अवेलेबल होते हैं वो हैं अल्ट्रासाउंड, CAT एंड MRI. अल्ट्रासाउंड, CAT और MRI जो है वो डिफरेंट स्कैनर्स के नेम हैं. विद द हेल्प ऑफ दीज मशीन, इन मशीन्स की हेल्प से डॉक्टर्स कैन सी इमेजेस ऑफ बोन्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स. डॉक्टर्स जो हैं वो इमेजेस यानी फोटोज देखते हैं अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनकी और हड्डियों की, बोन्स की. एंड फाइंड आउट द डिजीज ऑफ अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, और जो जो पर्सन जो बीमार होता है ना, जो किसी डिजीज से बीमार होता है, उस पेशेंट की उस डिजीज़ का पता लगाते हैं, बीमारी का पता लगाते हैं. ECG जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी बोलते हैं, मशीन एंड द EEG यानी कि इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम आर यूज टू मोनिटर हार्ट एंड ब्रेन रिस्पेक्टिवली. मतलब जो ECG होता है वो हार्ट के लिए यूज़ होता है, और जो EEG होता है वो ब्रेन के लिए यूज़ किया जाता है, जो मशीन जो है. नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक लेज़र. लेज़र इज़ द लेटेस्ट टेक्निक. लेज़र जो है वो लेटेस्ट टेक्निक है. इट स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. ये लेज़र की फुल फॉर्म है. क्लियर. बाय लेज़र रेज पेशेंट आर ट्रीटेड विदाउट कटिंग ओपन द इफेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी. लेज़र से जो पेशेंट है उनको कैसे ट्रीट किया जाता है कि कोई भी अगर इफेक्टेड पार्ट है ना, तो उसमें कटिंग नहीं की जाती है. लेज़र जो होती है रेज होती हैं, किरणें होती हैं, तो उनसे उस पार्ट को ठीक किया जाता है. अब सर्जरी क्या होती है? शल्य चिकित्सा. सर्जरी मतलब कि सर्जरी इज़ द मेथड ऑफ क्योरिंग अ डिजीज और इंजरी बाय कटिंग ओपन द बॉडी इन एन ऑपरेशन. सर्जरी एक मेथड है इलाज करने का किसी डिजीज़, मीन्स बीमारी या फिर किसी चोट का, इंजरी का, बाय कटिंग ओपन द बॉडी. बॉडी को काट कर इलाज करना एक ऑपरेशन के थ्रू. ठीक है. सर्जरी नीड अ वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट. सर्जरी में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है. एंड मेडिसिन, बहुत सारी मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है. इंडिया वॉज नॉन फॉर सर्जरी वन पास्ट टाइम. इंडिया जो है वो अपनी सर्जरी के लिए पास्ट यानी पुराने टाइम से ही प्रसिद्ध है. नाउ न्यू मेथड्स हैव बीन डेवलप्ड, और अब तो नए जो मेथड हैं, नए नए तरीके हैं वो डेवलप हो गए हैं. टू ऑपरेट अपॉन सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक द ब्रेन, हार्ट, किडनीज एक्सेट्रा. कि नए नए मेथड जो डेवलप हुए हैं, ऑपरेट अब कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, जो इतने उलझे हुए जो हमारे अंग होते हैं ना शरीर के, जैसे ब्रेन है, हार्ट है, किडनी है, अब तो उनकी भी सर्जरीज, उनके भी ऑपरेशंस किए जा सकते हैं. इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है. द डैमेज ऑर्गन कैन बी रिमूव्ड और इवन रिप्लेस इन सम केसेस. और कुछ केसेस में तो जो ख़राब हुए ऑर्गन्स होते हैं ना, उनको निकाल भी दिया जाता है, और इवन उनको रिप्लेस मतलब बदला भी जा सकता है, उनकी जगह नया ऑर्गन भी डाला जा सकता है. मॉडर्न सर्जरी हैज़ मेड ह्यूमन लाइफ सेफर एंड लॉन्गर. जो मॉडर्न सर्जरी है उसने ह्यूमन की ज़िंदगी को, इंसान की ज़िंदगी को और ज़्यादा सेफ और लंबा बना दिया है. अगला टॉपिक है हमारा मेडिसिन, दवाइयाँ. यानी कि इन द पास्ट पीपल वर वेरी सुपरस्टिशियस. पुराना जो टाइम था उसमें पीपल बहुत अंधविश्वासी थे, सुपरस्टिशियस थे. क्लियर. दे बिलीव द डिजीज वर कॉज्ड ड्यू टू वंस बैड डीड्स. वो ये विश्वास करते कि थे कि जो बीमारियाँ होती हैं वो किसी के बैड डीड्स, मीन्स बुरे कर्मों के कारण होती हैं, और बाय इविल स्पिरिट्स. और जो दूसरी इविल स्पिरिट्स होती हैं ना, बुरी शक्तियाँ होती हैं, उनके द्वारा होती हैं. मॉडर्न मशीन्स हैड ब्रॉट अ ग्रेट डील ऑफ द चेंज अमंग द पीपल्स एटीट्यूड. और जो मॉडर्न मशीन्स जब आई तो इन्होंने क्या किया,
पीपल का जो एटीट्यूड है ना, जो उनका स्वभाव है, वो इस बारे में चेंज कर दिया. द डिस्कवरी ऑफ क्विनिन हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया. जैसे क्विनिन ने हेल्प करी, क्विनिन ने टेबलेट का नेम है, दवाई का नेम है, ठीक है, उसने मलेरिया के ट्रीटमेंट में हेल्प करी. मलेरिया एक तरह का बुखार, ठीक है. एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? मेडिसिन दैट हेल्प क्योर इन्फेक्शियस डिजीज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स. जो हमारी इन्फेक्शन हो जाता है ना, जैसे हमें किसी चीज़ से, ठीक है, तो जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज होती हैं, उनका जब हम इलाज करते हैं तो उन दवाइयों को हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. सर्टेन डिजीज विच आर कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, कोलेरा एक्सेट्रा. जो बहुत सारी जो बीमारियां हैं जो कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी जीवाणुओं से होती हैं, उसके इन्फेक्शन से होती हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस मीन्स तपेदिक हो गया, टाइफॉइड हो गया, कोलेरा हो गया, ठीक है, ये सारी जो बीमारियां हैं आर क्यूरेबल बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स. इनका सबका इलाज हो सकता है एंटीबायोटिक्स लेने से. द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन 1928 वाज द माइलस्टोन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. जो डिस्कवरी है पेनिसिलिन की, जो कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा सन 1928 में हुई, वो माइलस्टोन कहलाया मेडिसिन की फील्ड में, मील का पत्थर साबित हुआ. एज इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग इन्वेंशन, क्योंकि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ, बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकता है शरीर में. क्लियर. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म आपने सुना ही होगा, टीवी वगैरह में भी देखा होगा, किसी को बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म दी जाती है. क्लोरोफॉर्म वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बाय द स्कॉटिश फिजिशियन. क्लोरोफॉर्म पहली बार किसके द्वारा बनाई गई? एक स्कॉटिश स्कॉटलैंड का फिजिशियन था, जेम्स सिम्पसन, इन 1831 में जेम्स सिम्पसन के द्वारा इसको बनाया गया. ही यूज्ड इट एज एन एनेस्थेटिक इन सर्जरी. उन्होंने इसको एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ किया. जब किसी की सर्जरी करी जाती है तो उसको एनेस्थीजिया दिया जाता है बेहोश करने के लिए, तो सेम एज़ उन्होंने इसी बेहोश करने के लिए इस दवाई का यूज़ किया. एंड इट वॉज एक्सेप्टेड बाय 1853 और 1853 में इसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया. एन एनेस्थेटिक इज़ गिवन टू समवन बिफोर अ मेडिकल ऑपरेशन. एनेस्थेटिक कब दिया जाता है? एक पर्सन को एनेस्थेटिक जो है वो एक पर्सन को तब दी जाती है बिफोर अ मेडिकल ऑपरेशन, जब उसका कोई मेडिकल ऑपरेशन हो, टू रिड्यूस द फीलिंग ऑफ पेन और कॉज इनकॉन्शियसनेस, मतलब उसको बेहोश करने के लिए और जो उसकी फीलिंग है ना पेन की, उसको कम करने के लिए एनेस्थेटिक दी जाती है. तो बेटे आज की वीडियो में हम यही टॉपिक क्लियर कर रहे हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीनेशन इंजेक्शन के बारे में, पैस्चराइजेशन, एंटीसेप्टिक्स वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक यू.